क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना परेशान क्यों हो? मेरे पापा ने मेरी शादी किसी और से तय कर दी। Now we are no more together. मुझे अब मैं रहता हूँ और वैसे भी ना दुख बांटने से कम ही होता है, तो बता यार ऐसी क्या बात है जिससे तू इतना परेशान रहता है? जॉब कब लगी तुम्हारी? जॉब तो मेरी उसी दिन लग गई थी जिस दिन तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था? क्या बताता तुम्हें, जब तुम फैसला करके ही आई थी कि सब कुछ खत्म करना है। चले जाओ। चाहते क्या हो मुझसे? पहले मेरा प्यार मुझसे छीन लिया और अब मेरे यार को भी मुझसे दूर करना चाहते हो? मेरी खुशी होगा क्या? मुझे फिर से अकेला कर दिया, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मैंने बिगाड़ा क्या है? मैं नम्रा को भूलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा था, लेकिन आपने फिर से मुझे उसके सामने लाके खड़ा कर दिया। मैं हले तक ना पानी भी नहीं पीता, जिनक मैं तेरे पीछे हंजू पी गया। मैं हले तक ना पानी भी नहीं पीता, जिनक मैं तेरे पीछे हंजू पी गया। पानी पियो। क्या हुआ, परेशान से क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, वो जब से अनिकेत यहाँ से गया है तब से वो ऑफिस नहीं आया और मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रहा है। पता नहीं अचानक से क्या हो गया उसको। क्या पता वो किसी काम से कहीं चला गया हो। आप परेशान मत हो, फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए तब तक खाना लगाती हूँ। अबे यार अनिकेत, तूने आने में देर कर दी। आज तेरे भाई ने इतनी बढ़िया बैटिंग की थी ना, क्या ही बताऊं। और वैसे तो संडे को तेरी ऑफिस की भी छुट्टी रहती है, तो तू भी आ जाएगा खेलने? नहीं यार, एक ही तो दिन मिलता है रेस्ट के लिए, बाकी के दिन ऑफिस में कहाँ निकल जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। और वैसे भी मैं अपने क्रिकेट का शौक माई इलेवन सर्कल से पूरा कर लेता हूँ। माई इलेवन सर्कल, ये क्या है भाई? माई इलेवन सर्कल एक फैंटेसी स्पोर्ट ऐप है जहाँ हम अपनी क्रिकेट की नॉलेज और स्किल्स को यूज करके काफी कुछ जीत सकते हैं। वो कैसे, जरा ठीक से समझाना। रुक बताता हूँ। देख, इंडियन टी20 लीग फिर से शुरू होने वाली है और इसमें खेलना बहुत ही आसान है। दोनों टीम में से अपनी पसंद के 11 प्लेयर चूज कर अपनी एक टीम बनानी है। मतलब तू इन चैंपियन क्रिकेटर्स जैसे वीवीएस लक्ष्मण सर, गांगुली सर, वटसन और राशिद के साथ भी खेल सकता है। और अगर तूने लक्ष्मण और राशिद को हराया ना, तो तुझे 5 गुना कैश मिलेगा। वाह यार, ये तो बहुत सही है यार। हाँ, किसी भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर कितनी भी एंट्री फी के साथ। अगर तेरी टीम मैच करती है ना बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन को, तो तू 5 करोड़ तक जीत सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, 1500 रुपए वेलकम बोनस भी मिलेगा। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, अगर वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करते हैं तो उनको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा उनके फर्स्ट डिपॉजिट पर। भाई यार, ये सब तो ठीक है, लेकिन जो अमाउंट मैं जीतूंगा वो मुझे कैसे मिलेगा? बहुत ही सिंपल है, तेरी विनिंग सीधा तेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। और देख, ये वो विनर्स हैं जो फिलहाल माई इलेवन सर्कल पर करोड़पति बन चुके हैं घर बैठे बैठे। भाई यार, मैं इसे अभी डाउनलोड कर लेता हूँ। हाँ कर ले और बना ले अपनी खुद की एक टीम। और बता, कैसे आना हुआ, अब सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, लेकिन तुझे पता है परसों में नम्रा से मिला था। क्या, कब और कैसे? वो मैंने तुझे बताया था ना अपने ऑफिस फ्रेंड के बारे में। हाँ, विराट। विराट नम्रा का हस्बैंड है। क्या? हाँ
और ये बात मुझे खुद परसों पता चली जब मैं उसके साथ डिनर पर गया था। तो तेरी कुछ नम्रा से बात हुई? वो बोल रही थी कि मेरी और विराट की लाइफ से दूर चले जाओ, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जॉब छोड़ देता हूँ यार और वापस घर चला जाता हूँ, वहीं कुछ ना कुछ कोई और काम देख लूंगा। अबे तू पागल है क्या? एक तो इतनी मुश्किल से इतनी अच्छी जॉब मिली और तू उसे छोड़ना चाहता है, वो भी उसके लिए जिसने तुझे छोड़ दिया, जो तेरी खुशियों को परवाह ही नहीं करती। अरे यार, जो तेरे बारे में जरा सा भी नहीं सोच रही है, तू क्यों बर्बाद कर रहा है अपनी जिंदगी उसके चक्कर में? लेकिन कुछ नहीं भाई, तू अपनी लाइफ के बारे में सोच, अपने बारे में सोच। तेरे इश्क की इस कहानी में क्या तू ही सेक्रीफाइस करता रहेगा? क्या उसने तुझसे प्यार नहीं किया था, या वो सब टाइम पास था जो तेरे बारे में अब बिल्कुल भी नहीं सोच रही है? भाई देख, ये सब फालतू बातें छोड़ और तू अपने करियर पे ध्यान दे। और भाई मेरी माने तो ना, तो जो भी फैसला लेगा ना, सोच समझ के लियो यार, बाकी तेरी मर्जी है। मैं चलता हूँ, ध्यान रखिए अपना। विशाल सही बोल रहा है, मैं क्यों हर बार सैक्रिफाइस करूं, मैं क्यों अपनी लाइफ खराब करूं? नहीं विके, ऐसे बात नहीं करनी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अनिकेत? हेलो हेलो, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा तू? और ऑफिस भी नहीं आ रहा आजकल, और उस दिन घर से अचानक से चला क्यों गया मेरे भाई? है कहाँ तू? सॉरी यार, मैं उस दिन बिना बताए तुझे चला गया। एक्चुअली मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो इसलिए वापस मैं घर आ गया अपने देहरादून। क्या तो बताना तो चाहिए था ना, मैं भी चल लेता तेरे साथ। वो सब छोड़, आंटी ठीक है या नहीं? हाँ, मम्मी की तबीयत एकदम ठीक है, और मैं दिल्ली भी वापस आ गया हूँ। और उस दिन हमारा डिनर अधूरा रह गया था ना, तो आज रात मैं तेरे घर आ रहा हूँ और हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। अरे मोस्ट वेलकम यार, आजा, मैं मस्त बढ़िया सा खाना बनवा के रखूंगा तेरी भाभी से। ठीक है। अच्छा सुन, भाभी को मत बताइयो यार, सरप्राइज दूंगा। अच्छा चल ठीक है, नहीं बताऊंगा। ओके, रात में मिलते हैं, बाय। ठीक है, बाय। बारिश ता बदलाते बाकी मोर दी किस्मत, बारिश ता बदलाते बाकी मोर दी किस्मत, जो कल मेरी किस्मत सी ओ अज किसे होर दी किस्मत, कल मेरी किस्मत सी किसे होर दी किस्मत। और ऑफिस में सब कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है, तू जल्दी से आ जा भाई ऑफिस। हाँ आ जाऊंगा। शिट यार, अरे चल चल यार, मैं धुलवा के लाता हूँ, चल। आप बैठो ना, आप खाओ, मैं करा के लाती हूँ। ठीक है भाई, चल। तुम यहाँ क्यों आए हो अनिकेत? तुमसे मैंने कहा था ना कि मेरी और विराट की लाइफ से हमेशा के लिए दूर चले जाओ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो। मैं नहीं चाहता कि विराट के सामने बातें खोले, इसलिए कल तुम्हें कॉल करूंगा, मिलने आ जाना। और नंबर तो तुम्हारा वही है ना, या बदलते रिश्तों के साथ नंबर भी बदल दिया? वही। अच्छा तो विराट यार, अब मैं चलता हूँ, बाकी खाना सच में बहुत अच्छा था, थैंक यू डिनर के लिए। कल ऑफिस में मिलते हैं। ठीक है, ठीक है भाभी, मिलते हैं जल्दी। हेलो। हेलो। ये मिलने का अच्छा टाइम है, क्योंकि विराट इस टाइम ऑफिस में होगा, तो तुम बताओ मैं घर आऊं या तुम बाहर आ रही हो मिलने? नहीं नहीं नहीं, घर पे रिस्की है, मैं बाहर मिलने आती हूँ, बताओ कहाँ मिलना है? वहीं, जहाँ तुम सारे रिश्ते खत्म करके गई थी।
ओके। बताओ क्या बात करनी थी। तुमने हमेशा अपनी खुशियों के बारे में सोचा ना, बस अपनी लाइफ के बारे में सोचा। उस दिन तुम कितनी आसानी से सारे रिश्ते खत्म करके चली गई थी, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, पलट कर तक नहीं देखा कि मेरा क्या होगा, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा। तुमने मुझे ये सब बातें करने के लिए बुलाया है कि यहाँ पर मेरी शादी हो चुकी है, समझो इस बात को, खुद को भी समझाओ। अरे कितना समझाऊं मैं खुद को, अब क्या मर जाऊं क्या? तुम्हारी खुशी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया? मैं अपने आप को समझा सकता हूं, लेकिन इस दिल को नहीं, जो सिर्फ आज भी तुम्हारे लिए धड़क रहा है। आज तो मैं किसी और के साथ देखता हूं ना, तो ऐसा लगता है कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था, वो सब एक टाइम पास था, एक मजाक था जो तुमने मेरे जज्बातों के साथ किया। तुम्हारा हर एक वादा झूठा था नमरा, अगर सच्चा होता ना तो तुम अपने पापा से बात करती, उनको मनाती या कुछ ना कुछ तो करती मेरी जॉब लगने तक, लेकिन तुमने तो कुछ भी नहीं किया और खुशी खुशी अपना नया घर बसा लिया। खुशी खुशी घर बसा लिया, मैं कितनी खुश हूँ अनिकेत, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मैं आज विराट के साथ जरूर हूँ, लेकिन आज तक उसे वो खुशी नहीं दे पाई जो मुझसे एक्सपेक्ट करता है, शायद इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार है। मैं क्या करती अनिकेत, मैं नहीं लड़ सकती थी अपने पापा से तुम्हारे लिए। काश तुमने मुझे उस दिन बता दिया होता कि तुम्हारी जॉब लग गई है, तो आज हम साथ होते। रिलैक्स नम्रा, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से ही सब कुछ पता चल गया। सॉरी भाई। नो नीड टू से सॉरी यार, और मुझे तो आज पता चला जिसके लिए तू परेशान था वो नम्रा थी। और नम्रा, मैं हमेशा सोचता रहा कि शादी के बाद भी हम दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों हैं, काश तुम मुझे सब कुछ पहले बता देती अनिकेत के बारे में, तो आज तुम दोनों के बीच कोई तीसरा ना आता। कोई बात नहीं, अभी भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, डोंट वरी, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, और वैसे भी तुम मुझसे ज्यादा खुश अनिकेत के साथ रहोगी, और शायद ऊपर वाले की भी यही मर्जी थी, तभी तो मेरे को अनिकेत की लाइफ में भेजा उसका अधूरा काम पूरा करने के लिए। तुम अपनी नई लाइफ स्टार्ट करो और खुश रहो, मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखना। विराट, थैंक यू सो मच। मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया, गुजरता सा लम्हा एक दामन भर गया, तेरा नजारा मिला रोशन सितारा मिला, तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो
हे गाइस, वीडियो का एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी, दोनों एपिसोड आपको अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि दोनों एपिसोड्स में आपको कौन सा एपिसोड सबसे ज्यादा अच्छा लगा, या दोनों में क्या अच्छा लगा वो मुझे जरूर बताना। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उस रेड बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी वीडियो डालू आपको अपडेट मिल जाए। और गाइस, क्या कर रहे हो यार, वीडियो देख के कहाँ चले जाते हो? मतलब वीडियो को शेयर जरूर करो और जल्दी से 1 मिलियन करवा दो यार, फिर हम भी पार्टी शार्टी करें मिलियन की। और देखो, यहाँ मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, लेकिन इंस्टा का क्या हाल कर रखा है? तो अभी जाओ इंस्टाग्राम पे, मुझे फॉलो करो। जितने लोग मेरी वीडियोस पसंद करते, प्लीज जाओ इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। मैं नहीं जानता, मेरा यूजर नेम है @AniketBenival। आ जाओ सारे। और हाँ गाइस, अगर आपकी क्रिकेट की नॉलेज और स्किल्स काफी अच्छी है तो माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेल।